कुछ साल पहले उदयपुर में थाली साफ अभियान शुरू किया गया था। इसके तहत थाली में जूठा नहीं छोड़ने पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया था। यह अभियान देश के दूसरे हिस्सों में भी होना चाहिए, ये एक अच्छी पहल है। इससे बच्चों को खाने के महत्व के बारे में बचपन से ही सिखाया जा सकता है। बच्चों को इस तरह की शिक्षा पहले अनिवार्य रूप से दी जाती थी, अक्सर इसकी शुरुआत घर से ही होती थी। बचपन में माँ थाली में खाना परोसती थी, वह उतना ही होता था कि हमारा पेट भर जाए और जूठा भी न बचे। यदि और चाहिए तो मांगा जा सकता था, लेकिन थाली में एक टुकड़ा भी छोड़ने की मनाही थी। जूठा छोड़ने पर हमें डराती थी कि भगवान नाराज हो जाएंगे। अनदेखे भगवान की नाराजगी से बच्चे बहुत डरते थे, इसलिए पूरी थाली साफ करके एक दूसरे को दिखाते भी थे। ऐसा तब गांव शहर सब जगह होता था, मगर पिछले कुछ दशकों से अधिक खाना परोसना, न खाया जाए तो जूठा छोड़ना चलन में आ गया है। हालांकि डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो अधिक खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। कई बार तो अनजाने में ही इतनी कैलोरी का भोजन कर लिया जाता है जितनी की जरूरत हमें एक हफ्ते में होती है। बहुत से खाद्य पदार्थों को तो बेचने के लिए ही कुछ इस तरह की लाइनें इस्तेमाल की जाती है, खूब खाओ, खाते ही जाओ, या अमुक मसाले से पके खाने का स्वाद ऐसा कि चाहे जितना खाएं, पेट ही न भरे। जब से समारोह में बैठकर खाने की जगह खुद परोसने और खड़े खड़े खाने का चलन बढ़ा है, तब से पता ही नहीं चलता कि कितना खाया गया, और अगर परोसी हुई भारी प्लेट छोड़नी पड़े तो कोई पछतावा भी नहीं। ऐसा होते हम रोज देखते हैं। शादी विवाह में शादी की भव्यता को दिखाने के लिए इतने तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं कि एक बार में खाए ही नहीं जा सकते। कई शादियों में तो भारत के हर प्रदेश का खाना परोसा जाता है, क्योंकि 100 प्रकार के भोज्य पदार्थ भी होते हैं। जाहिर है जितना खाना बनता है उतना खाया तो जा नहीं सकता। शादी विवाह या किसी उत्सव में ऐसा दिखावा कितना दुखद है। हालांकि आयोजक इसे अपनी शान समझते हैं और लोगों को प्रभावित करने लिए उत्सव के बाद इसका खूब बखान करते हैं। किसी उत्सव या समारोह में हर साल जितना खाना बचता है उससे बड़ी जनसंख्या का पेट भरा जा सकता है। बहुत से स्व सहायता समूह विवाह, जन्मदिन या अन्य समारोहों के आयोजकों तथा होटल, बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउसेज मालिकों से अपील करते हैं कि बचे हुए खाने योग्य खाने को फेंका न जाए, इसे उन्हें दे दिया जाए, जिससे कि वे इस भोजन को वहां ही पहुंचा सके जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।